आपको सीधा लिए चलते हैं गर्जन सिंह शेखावत मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुने। माननीय मुख्यमंत्री जी की लीगल टीम मुख्यमंत्री जी की तरफ से सेशंस कोर्ट में जाकर के और अपील प्रस्तुत की थी कि इस राउज कोर्ट के निर्णय के ऊपर न्यायालय रोक लगाए, स्टे करे, लेकिन आज कानून ने एक तमाचा मारते हुए उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को 7 तारीख को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया। आप राजस्थान के सब पत्रकार मित्रों के मन में और राजस्थान के करोड़ों लोगों के मन में एक प्रश्न है। आज जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के समक्ष हजारों लोगों की उपस्थिति में जब वक्तागण भाषण दे रहे थे तो बहुत लोगों ने इस बात का उल्लेख किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पांव में पट्टे क्यों बंधे, इसका राज क्या है। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी गहलोत साहब ने, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने, आदरणीय किरोड़ी लाल जी ने और उसके अतिरिक्त भी अन्य वक्ताओं ने वो राज को जानने की खोलने की कोशिश की थी। मैं आज सब मीडिया के मित्रों के सामने उस राज का पर्दाफाश करना चाहता हूं क्योंकि 7 तारीख तक ये पट्टा नहीं खुलेगा। अगर पट्टा खुलेगा तो खुद को जाकर के न्यायालय में खड़ा होना पड़ेगा। ये न्यायालय में जाकर के खड़े होने से छूट लेने के चलते ये गाड़ी जो है पांव में कील चुभा करके पंचर होकर के बैठी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और केंद्रीय मंत्री गर्जन सिंह शेखावत को आपने सुना, मीडिया से रूबरू हो रहे थे। इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से पूछा जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग थे। हो सकता है व्यक्तिगत विषय होगा, आजकल आई फ्लू बहुत फैल रहा है, कोई और कारण होगा। मेरी उनसे चर्चा नहीं हुई है इसलिए इसके बारे में मैं कोई भी उत्तर देने में असमर्थ हूं। लेकिन मुझे लगता है कि विषय ये नहीं है कि कौन आया और कौन नहीं आया, विषय यह है कि कई 100 किलोमीटर की दूर से यात्रा करते हुए सुदूर मध्य प्रदेश के बॉर्डर से, रावत भाटा से, राजस्थान के पश्चिमी कोने से, जैसलमेर से, बाड़मेर से, 5-6 से